बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हमारी परेशानियाँ दूर करें। आमीन आमीन। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ जो है ये ट्राउज़र की ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा जी, ये हमने शर्ट का फैब्रिक लिया है, उसके साथ हमने ये जो है सिल्क की नलकी ली है, ठीक है, मैचिंग। तो इसका कोई काम नहीं है, मैंने जस्ट आपको नलकी की मैचिंग दिखानी थी। और ये हमने बुकरम ली है जो हम रेगुलर नेक में यूज़ करते हैं, और ये फ्यूज़ पेपर है, ये भी इसी तरह से जो है पेस्ट हो जाता है प्रेस करने से, ये बिल्कुल बारीक है, ठीक है। तो अच्छा जी, हमने इस पाइंचे की जो है वो 8.5 इंच रखी है, जो कि हमें तैयार 7.5 इंच चाहिए। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्यूज़ पेपर जो बारीक वाली बुकरम है वो हमने इस तरह से पेस्ट कर लिया पाइंचे के ऊपर 5 इंच की चौड़ाई में लेके, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से पाइंचे के ऊपर पेस्ट कर लिया। और ये हम जो बुकरम नेक में यूज़ करते हैं तो वो हमने ली है रेगुलर, ठीक है। तो इसको हमने जो है ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग में यूज़ करना है। ये फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया है नीचे फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से हमने बुकरम को डबल फोल्ड करके हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से जो है वो प्रेस हो जाए और सेंटर की क्रीज बिठा लेनी है ताकि हमें कटिंग में मुश्किल ना हो। अच्छे से यहाँ से हमने 4 इंच का जो है वो निशान लगा के हमने यहाँ से जो है वो गुलाई की शेप देनी है इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पाइंचे की डिज़ाइनिंग है। अच्छा जी, यही सेम डिज़ाइनिंग आप स्लीव्स के ऊपर भी बना सकती हैं। तो इस तरह से ये देखिए हमने शेप में हमने ये कटिंग कर ली है, कॉर्नर इसके ख़त्म करके राउंड शेप में कटिंग कर दी है। और अब हमने यहाँ से 1 इंच की जो है वो चौड़ी पट्टी जो है वो कट कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो है पट्टी कट कर ली है। तो अब हमने इसके ऊपर जो पेस्ट कर लेना है इसे, ठीक है। तो बुकरम को हमने जो है वो पाइंचे के ऊपर पेस्ट कर लिया है। ये जो हमने फ्यूज़ पेपर पेस्ट किया इससे जो है वो, अगर आप जो है आपको बुकरम पसंद है, आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा पाइंचा, तो आपको ये फ्यूज़ पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इस पट्टी की शेप में कटिंग ना करें, ऊपर से जो बुकरम है उसको इसी तरह से छोड़ दें, ठीक है। तो मुझे जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सॉफ्ट रखने के लिए ये फ्यूज़ पेपर का जो इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हमने इसके नीचे जो है ये कपड़ा रख के, ये हमने जिस तरह से नेक तैयार करते हैं तो इसी तरह से हमने ये बुकरम के बिल्कुल साथ साथ जो है वो रख के सिलाई लगा लेनी है। बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ रख के हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो इसकी जो है शर्ट की वीडियो वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप इसकी शर्ट की भी डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं, बहुत ही प्यारा जो है मैंने कुर्ता स्टाइल में फ्रॉक स्टिच की है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वो डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। तो आप जो है उसका जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आप देखना चाहें तो। तो अच्छा जी, ये देखें इस तरह से हमने इसकी जो है वो कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर देनी है, जिस तरह से हम नेक की कटिंग करते हैं उसी तरह से हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा के, सिलाई का 1/2 इंच से थोड़ा कम छोड़ के हमने इस तरह से एक्स्ट्रा जो है वो कटिंग कर देनी है। और अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, एक सेंटर में लगाएंगे कट, ठीक है। उससे ये होगा जो है फिनिशिंग अच्छी आएगी, फोल्डिंग अच्छे से हो जाएगा फैब्रिक हमारा। तो इस तरह से हमने छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे हमने कट्स लगा लेने हैं यहाँ पे। और अब हम इसको इस तरह से उल्टाएंगे और इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से ये होगा कि हमारी जो है बॉटम की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और फिर हम इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। आप सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, हमने इसको जो है वो हैंड स्टिच कर लेना है। तो अच्छे से प्रेस पहले करेंगे, ठीक है। जब भी आप सिलाई करें तो प्रेस ज़रूर किया करें फोल्डिंग से पहले। अच्छा जी, ये देखें हमने इसको फोल्ड कर लिया है, अच्छे से प्रेस करके फोल्ड कर लिया इसको, ठीक है। और एक बॉटम की जो मैंने वो उसको हैंड स्टिच कर लिया है, अब इस दूसरे को भी मैं कर लूँगी। देखिए इस तरह से हमने हैंड स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो अच्छा जी, अब हमने ये ट्राउज़र की जो कटिंग थी हमारी वो ली है, ठीक है। उसको हमने इस तरह से रख के डबल फोल्ड करके, तो यहाँ से जो है वो
कटिंग कर ली है तकरीबन 5.5 इंच लिया है हमने, ठीक है 5 इंच है ये, ठीक है। तो अच्छा जी, इस तरह से हमने उसकी कटिंग कर ली है। तो अब हमने इसके ऊपर जो है वो पिनटेक्स डालने हैं, ठीक है। जितनी हमने ट्राउज़र के अंदर से कटिंग निकाली है वो सारा फैब्रिक हमने ले लिया है, जो हम तो कौन सी शेप अरेबिक फैब्रिक जो हमारा कटिंग का होता है वो लिया। तो इस तरह से हमने आधा आधा इंच का गैप छोड़ के जो है वो पिनटेक्स डाल लेनी है। तो मैंने जिस तरह से वो सिल्क की नलकी ली, अगर आप चाहें तो इस तरह से नलकी लेके सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, तो मैं जो है इस तरह से पिनटेक्स डाल रही हूँ और आधा आधा इंच का ही हमने गैप छोड़ा है, ज़्यादा नहीं छोड़ना, इससे कम भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने 8-8 सिलाइयाँ लगानी हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 8-8 जो है वो पिनटेक्स डाल लेने हैं इस तरह से। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट अभी कर दें, ठीक है। अच्छा, ये देखिए हमने इसको जो है अच्छे से प्रेस कर लिया, पिनटेक्स डाल के 8-8 हमने डाले हैं। अब इसको हमने जो है वो 5.5 इंच लिया था, अभी सेंटर में से कट कर लेंगे इस तरह से। और लूप्स जो है 3-3 हमने रेडी करनी दोनों 5 इंचों की रेब में कटिंग करके, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पहले रख के 2 जो पीस हमने कट किए थे, एक पीस को हमने लेना है नीचे से तकरीबन 2 इंच छोड़ के हमने, फिर 1-1 इंच का गैप छोड़ के 3 लूप्स जो है वो फिक्स कर लेनी है। तो इस तरह से हमने 3 लूप्स जो हैं वो फिक्स कर ली हैं। और अब हमने इसके नीचे जो नीचे की साइड पे जो कपड़ा फोल्डिंग का है वो रख के लगाना है। आधा इंच सिलाई में जाने के बाद हमारे पास 5 इंच रह जाएगा ये। तो अब हमने इस तरह से रख के जो लूप्स की सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर रख के यहाँ से सिलाई लगानी, ताकि हमारी लूप्स की जो है वो ये हमारी लूप्स गुम सिलाई के साथ फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमारी लूप्स जो है गुम सिलाई के साथ जो है वो फिक्स हो गई हैं। अच्छा, जब हमने इसको जो है वो नीचे कपड़ा लगा के इसकी फोल्डिंग हमने कर लेनी है। तो दोनों 5 इंचों का हमने इसी तरह से जो है फैब्रिक तैयार करना है। तो कॉर्नर से हमने कट के इसको जो है वो निकालना है। तो कॉर्नर हमारा जो बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ निकले, किसी नुकीली चीज़ के साथ कॉर्नर निकाल लें। तो इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है, प्रेस हमने कर लिया है। और ये देखें इस तरह से, तो हमारा जो है ये डिज़ाइनिंग के लिए जो है पिनटेक्स डाल के हमने तैयार कर लिया है। तो अच्छा जी, ये 1.5 इंच का गैप छोड़ के हमने क्रीज भी ठा ली है 3, और हमने 1-1 फुट की जो है वो सिलाई लगा के, अच्छा जी हमने जो नलकी ली थी सिलक की वो हमने ऊपर लगाई है, ठीक है। नीचे जो है हमारा ग्रीन कलर का ही जो सिलाई वाली नलकी है वही है, और ऊपर हमने ये सिलाई लगा के सिलक की। तो 3-3 हमने जो है वो चौड़ी वाली पिनटेक्स डाल ली हैं। और अब हमने ये जो कपड़ा पिनटेक्स वाला तैयार किया था लूप्स के साथ, इसको हमने यहाँ पे रख के फिक्स करना है विद लेस, ठीक है। ये लेस हमने लेनी है और इसको इसके सेंटर में रखना है, ठीक है। तो लेस जो है वो भी हमारी गुम सिलाई के साथ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको पिनअप कर लेना है, ताकि जो है हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो सके, ठीक है, बिल्कुल बराबर आए। तो इस तरह से हमने इसको पिनअप कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे जो है स्टिच लगा लें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, लेस को जो है इसके सेंटर में बिल्कुल दबा के अच्छे से सिलाई लगानी है, बिल्कुल बराबर रख के। थोड़ी सी हमने लेस निकालनी है जितनी उसकी आगे की डिज़ाइनिंग है, बाकी सिरा जो है इसका हमने वो किनारे नीचे की साइड पे दबा के इस तरह से हमें सिलाई लगा लें। यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो अब हमने इस दूसरी साइड पे भी इस तरह से रख के सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने दूसरी साइड पे भी लेस लगा ली है। तो हमारे पेंच की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे बटन जो रख के फिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सेम कलर के बटन भी लगाएं तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन मैंने जो नलकी का ये हम फोल्डिंग कर लेंगे इस तरह से, मैंने नलकी का कलर सिलक का ये यूज़ किया है डिज़ाइनिंग में, इसलिए मैंने बटन भी ये रेड लगाए हैं। तो रेडिश पिंक से कलर की शेड है इसकी, मिक्स शेड है, ठीक है।
तो अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। अब मैं इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अच्छा जी, आप सेम यही डिज़ाइनिंग स्लीव के ऊपर भी बना सकती हैं, ठीक है। स्लीव्स के ऊपर भी पहनेंगी बहुत अच्छी लगेगी, तो आप इसको स्लीव्स के ऊपर भी ट्राई कर सकती हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये पहनी स्लीव भी बहुत अच्छी लगेंगी। और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी, ठीक है। बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में, काफ़ी टाइम लग जाता है, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होती है। तो आप प्लीज़ एक कमेंट तो ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।